क्लास। सो टुडे आई विल स्टार्ट माई टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर आई वॉज एक्सप्लेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सम डिफरेंस बेसिस और सम बेसिस differences between cash basis of accounting and accrual basis of accounting. So start the lecture. So accrual basis of accounting and cash basis of accounting. Accrual basis of accounting. First is record business transaction when they occur. Accrual basis of accounting record only those transaction when they occur, when sale is made or when bill is received. In cash basis of accounting, record transactions only when customer pays the product or service, when bill are paid. Means record करोगे जब उस transaction से related transaction की गई है। जैसे for example जब हम sale की entry करते हैं तो sales के बदले में अगर हमारे पास cash receive भी नहीं हुआ है तब भी हम उसको एंटर कर देते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट इन कंपैरिजन ऑफ अक्रूअल बेसिक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन व्हेन वी रिसीव कैश इन एक्चुअल व्हेन कस्टमर पेज द प्रोडक्ट और सर्विस। जब कस्टमर खुद पेमेंट करता है या पेमेंट रिसीव करता है उस ट्रांजेक्शन के बदले। देन सेकेंड इज कंपाइल्स विद गैप अकाउंटिंग को कॉम्प्लीमेंट भी मिला है एक तरीके से गैप से। मीन्स जो गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हेडिंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं गैप वो उसको क्या करता है मानता है या फिर बोल सकते हो कि करता है। लेकिन जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो उस टाइप की अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है जो बहुत ही स्मॉल स्केल के बिजनेसेस होते हैं उनमें उस टाइप की कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। क्लियर। देन थर्ड इज प्रेजेंट एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी आपकी की कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो एक्यूरेट मीन्स सही एकदम सही अकाउंटिंग को शो करता है एक्यूरेट फाइनेंशियल पिक्चर को शो करता है। बट जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओमिट इंपॉर्टेंट इन्फो लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओमिट मीन्स भूल जाते हैं या मिटा देता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो कैश एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हमारी जो भी फाइनेंशियल पिक्चर होती है या सभी एक्यूरेट पूरी फॉर्म की एक्यूरेट पिक्चर प्रेजेंट करता है। लेकिन जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है उससे कई इन्फॉर्मेशन मिट जाती है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। क्लियर। तो एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों ही एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब रेवेन्यू हम यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है तो कैश में रिसीव होता है एक्चुअल कैश रिसीव हो रहा है लेकिन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्डेड व्हेन अर्न मीन्स चाहे हमें कैश रिसीव हुआ हो लेकिन हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन किया जाता है एक्सपेंसेस को तो उनके बदले में कैश पे किया जाता है। लेकिन जो आपकी अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड जब वो उसमें कैश एक्सपेंस हम
खर्च भी नहीं, लेकिन अगर वो इंकर्ड किए जाते हैं बिना पेमेंट के, तब भी हम उसको अपनी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ईजियर टू यूज़ गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट कैश इन हैंड। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ करंट कैश इन हैंड, जो भी आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। नॉर्मली किसी के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सभी उसको ईजिली उसकी किसी को बोलोगे कि 100 का सेल हुआ या 10,000 का सेल, तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन जो एंड गिव और एक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है करंट कैश, मीन्स हमारे पास एक्चुअल में कितना, बट जो आपकी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा जटिल होती है, डज नॉट गिव एन एक्यूरेट ऑफ कैश इन हैंड। अचानक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्निंग, ये सब बताए थे ना मैंने, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये सभी टर्म्स को हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं और इनकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो जब इन सभी टर्म्स, इन चारों टर्म्स की हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई भी इसको सिंपली समझ नहीं सकता है। डज नॉट गिव एन एक्यूरेट मेजरमेंट। और अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए विद इन फ्यू मिनट्स, तो ये इस टाइप की अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे जो बेस्ड होती है, उससे हम एक्यूरेट कैश इन हैंड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे। एंड लास्ट इज बेटर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए बेटर होती है? स्मॉल बिजनेस, बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बहुत बेटर होती है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग और लार्ज स्केल पे बिजनेस चला रहे हैं, तो उनके लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो में हमें एक्चुअल में कैश रिसीव होता है, एक्चुअल में कैश पे करते हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में अगर हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो अर्न की जाती है, रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होते हैं जब वो अर्न की जाते हैं और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो इनकर्ड किए जाते हैं। और ये बहुत इजी होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये स्मॉल स्केल के बिजनेसिस के लिए होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये कौन सी बिजनेसिस के लिए होती है? ये लार्ज बिजनेसिस के लिए होती है। क्लियर डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? दिस इज़ द लास्ट कंसेप्ट विच इज़ फ्रॉम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। क्लियर? थैंक यू मच।